भास्कर, सुनीता केजरीवाल जो कुछ कह रही थी उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो वो जो अभी अभी उनके ऑर्डर को लेकर किरकिरी हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उसका मुद्दा बनाया, बकायदा शिकायत की गई, एलजी के पास तक ये मामला पहुंचा, उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल ने की है अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल दो हिस्सा है और ये माना जा रहा था जब आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऑर्डर दिखाया था तभी से ये कहा जा रहा था कि ये संदिग्ध है, ये फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत भी की और उसके बाद इसी का परिणाम था कि दूसरा ऑर्डर जो आया वो सरकारी किसी पेपर पे नहीं आया। और तो एक तरह से निश्चित रूप से ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है और बाद में यहां तक कहा गया कि अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के कस्टडी में रह के भी दिल्ली वालों की समस्याओं को लेकर सोचते हैं, उसका समाधान कैसे हो ये चाहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। दूसरा हिस्सा महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण जो आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा था कि एक बड़ा खुलासा होगा, वो बड़ा खुलासा ये है कि 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया। हालांकि पार्टी की जो लाइन है उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि शरद रेड्डी का जो मामला उठाया जा रहा है उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखेंगे और कहेंगे कि कैसे उसको इस पूरे घोटाले में पहले आरोपी बनाया गया और फिर उसके बाद जब पार्टी को चंदा दे दिया गया तो अप्रूवर बना दिया गया और उसी की गवाही पे, उसी के स्टेटमेंट पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ये स्टैंड बहुत ही क्लियर है आम आदमी पार्टी का, जिस दिन से गिरफ्तारी हुई उसी दिन से ये स्टैंड उठाया जा रहा है और हो सकता है कि कोर्ट में इस बात का जिक्र किया जाए, अरविंद केजरीवाल खुद मीडिया के सामने में आके बात करें, ये बहुत मुमकिन नहीं लग रहा है, लेकिन इतना हो सकता है कि कोर्ट कॉरिडोर में जब वो गुजरते होंगे तो तब वो मीडिया से कुछ बात कर लें। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाने जा रही है और ये अब साबित करने की कोशिश की जाएगी कि शराब घोटाले का पैसा कहां कहां गया है। जिस शरद चंद्र रेड्डी के बयान से, जिसकी गवाही से इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है जैसा आम आदमी पार्टी का कहना है, तो उसकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक क्लियर हो गया है आज कि आम आदमी पार्टी हर स्तर पे इस मुद्दे को उठाएगी। ठीक है, शरद चंद्र रेड्डी को लेकर तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस वक्त हमलावर है और उल्टा भारतीय जनता पार्टी को ही घेरा जा रहा है कि उसका पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए इन्होंने लिया है, यानी कथित शराब घोटाले का फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो बीजेपी को हुआ है। अब अरविंद केजरीवाल इस वक्त सलाखों के पीछे है, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन उनको लेकर दिल्ली में नॉन स्टॉप हंगामा लगातार जारी है। इस वक्त दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है जहां आम आदमी के विधायक केजरीवाल की गिरफ्तारी का जमकर विरोध कर रहे हैं। सदन शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में नारेबाजी की, वेल में पहुंचकर आप विधायकों ने नारेबाजी की।